वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। इस वीडियो में हम लोग जो एक सीरीज को स्टार्ट किए हैं, वही आपका सीरीज जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का आपका ये टॉपिक है स्ट्रैटेजी के तौर पे, जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत एवं पठार, मेजर माउंटेन एंड प्लेटूज ऑफ इंडिया के ऊपर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लगभग 25 के करीब में लगभग ये आपके क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्या है कि हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम एक एडुकेटर हैं जो कि अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं। तो आपको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मनीष कुमार रॉय का नाम से आपको सर्च करना है, ऑल गोल में एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल ऑल गोल में आपको सेलेक्ट करना है। आपका डेली क्लास अभी आपका चल रहा है अन अकेडमी में, बिल्कुल आपका सबसे पहले तो ये आपका बिल्कुल फ्री क्लासेस है, डेली आपका अन अकेडमी चल रहा है। आपका सुबह में 9 बजे पहला क्लास, अभी आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, सुबह में 9 बजे पहला क्लास, दूसरा आपका 11 बजे ठीक है करंट अफेयर्स का, और तीसरा आपका रात का आपका चल रहा है 8 बजे, 8 बजे रात को आपका तीसरा क्लास चल रहा है करंट अफेयर्स का, पूरा एक साल का करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। अन अकेडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड क्या लगाना है, तो कोड लगाना है आपको मनीष, उसके बाद आपको गुरु, उसके बाद आपको 10 जो है कोड लगा देना है, मनीष गुरु 10 आपको कोड लगाना है, तो आपको 10% का डिस्काउंट या फिर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग के लिए क्या है एसएससी की तरफ से, देखिए अन अकेडमी लाया है आप लोग के लिए एसएससी कॉम्बैक्ट, देख रहे हैं एसएससी कॉम्बैक्ट आप लोग के लिए लाया है, जिसमें आपको क्या है 29 मई को 12 बजे आपका 40 क्वेश्चन 50 मिनट का, जिसके अंदर इंग्लिश, उसके बाद आपका क्या है मैथ्स है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन 50 मिनट का, काफ़ी सारे जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, अच्छे रैंक अगर लाते हैं आप तो बहुत सारा आपको गिफ्ट, बहुत सारा आपको रिवार्ड भी यहाँ पे मिलने वाले हैं अन अकेडमी की तरफ से। कब है 29 मई को 12 बजे है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे सेम आपका पूरा सब कुछ दिया हुआ है, ये भी आपको इनरोल करना है, देखिए 40 क्वेश्चन 50 मिनट का, उसके बाद आपका गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, बिल्कुल फ्री है, 29 मई 12 बजे रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक मिलेगा आपको, लाइव स्कोरिंग क्वेश्चन बाय द टॉप एडुकेटर के द्वारा, और स्कॉलरशिप फॉर टॉप 1000 रैंकर, 1000 के करीब में अगर आपका रैंक है आपको काफ़ी स्कॉलरशिप मिलेगा। बस आपको कोड क्या लगाना है, तो कोड आपको इनरोल कीजिएगा तो कोड लगाना है मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपको 10 जो है लगा देना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत एवं पठार हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मेजर माउंटेन एंड प्लेटूज ऑफ इंडिया, ये आपका स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको लगभग जो है 25 के करीब में आपका ये क्वेश्चन है, 25 के करीब में स्पेशल जो है आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए है। चलिए वैसे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं जहाँ भी भारत के प्रमुख पर्वत और पठार, और लगभग आपको हम बता दें कि इस टाइप से आपको इंडियन ज्योग्राफी का या फिर स्टैटिक जीके का टाइप से लगभग 20 के करीब में जो है आप लोग के लिए 20 टॉपिक अवेलेबल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, देखिए क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, किस राज्य का हिस्सा नहीं है, आपका सही उत्तर उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर आएगा ठीक है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, सतलज एवं काली जो नदियां हैं के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिका विभाग स्थित है, कौन सा प्रादेशिका विभाग स्थित है, ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय जो है स्थित है, कुमायूं हिमालय स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सा है, बताइए भारत का हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी आपका कौन सा है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा आपका सही उत्तर आएगा, कंचनजंगा। कोडरमा जो है कोडरमा पहाड़िया कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है बताइए कोडरमा, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केरल आपका सही उत्तर आएगा, केरल में स्थित है कोडरमा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, किस हिमालय को चोटी को सागर माथा कहते हैं, सागर माथा किसको कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत जो है श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है कौन सा है, बताइए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल आपका कौन सा है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ियाँ आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एडमंड जो है एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी, किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में जो है विजय प्राप्त किया गया था 1953। अब आप देखिए ये आपका सूची दिया है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया है, जरा से इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि क्लियरली आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। आइए पहला देखिए, इसमें आपका पहला सूची और दूसरा सूची दिया हुआ है ठीक है, अनाई मूरी, उसके बाद आपका दो दो बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर, और पर्वतों के नाम है नीलगिरी,
सतपुरा, अरावली, अन्नामलाई आपका है। आपका सही उत्तर इसका कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 8 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब एक आचार्य अनाईमुरा जो है पर्वत का नाम है, क्या है? अनाई, ठीक है, अन्नामलाई है। उसके बाद बी क्या वन है, दो दो बेटा, दो दो बेटा क्या है पर्वत का नाम? नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी है। तीसरा नंबर है धूपगिरी, धूप का आपका क्या है? सतपुरा है। और चौथा आपका है गुरु शिखर, अरावली है। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका आपका देखिए कि क्या आएगा सही उत्तर। देखिए कमेंट भी करना है आपको कि आपका सही उत्तर क्या है, सबसे पहले कमेंट कीजिए, बाद में देखिए मिलाइए कि हाँ आपका आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। इसका बताइए क्या आएगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर है। देखिए गाडविन अस्टिन आपका सही उत्तर आएगा, पर्वत चोटी गाडविन अस्टिन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? बताइए गुरु शिखर किसका सर्वोच्च है आपका? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं आपका सही उत्तर आएगा, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। नेक्स्ट है छोटा जो है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ आपका सही उत्तर आएगा, पारसनाथ। अगला क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थिर है? किस राज्य में स्थिर है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य में स्थिर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है कौन सी है? तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, सैडल पीक। कौन सी है? तो सैडल पीक आपका सही उत्तर है। अच्छा हाँ, और आप लोगों को बता दें NTPC का, CBT 2 का, आपका लेवल 6 का और लेवल 4 का जो आपका एग्जाम हुआ है, पूरा आपको GKGS का PDF टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा PDF रिटर्न आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, क्या होगा बताइए? इसको जरा सा सबसे पहले हम यहाँ, चलिए इतना में आ जाएगा, क्या आएगा क्रम बताइए इसका 14 नंबर का? सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, ठीक है, उसके बाद आपका लद्दाख श्रेणी, उसके बाद आपका जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सब आपका एग्जाम में आया हुआ ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए देखिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा, मध्य भारत से स्थिर पहाड़ियाँ, देखिए मध्य भारत से स्थिर पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम आपको इसमें बताना है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सतपुरा महादेव मैकाल छोटा नागपुर, सतपुरा महादेव मैकाल छोटा नागपुर आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, अरावली आपका सही उत्तर है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी नवीनतम है? कौन सा पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, हिमालय। हिमालय आपका सही उत्तर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है 18 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, सागर माथा है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, सागर माथा 18 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर का, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, उच्चतम चोटी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुरी आपका सही उत्तर है। उच्चतम चोटी अनाईमुरी आपका सही उत्तर है 19 नंबर का। नेक्स्ट आइए, केटू के बाद जो है आपको बताना है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? किसके बाद? तो केटू के बाद जो है कौन सा है बताइए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा आपका सही उत्तर आएगा, कंचनजंगा आपका सही उत्तर है। उसके बाद इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, PDF भी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर आपको PDF भी इसका मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, बिल्कुल आपको इसका PDF मिलेगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, कंचनजंगा आपका भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उसके बाद देखिए क्या है, कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थिर है? 22 का ऑप्शन नंबर ए, पालनी आपका सही उत्तर आएगा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी आपका सही उत्तर है 22 नंबर का, ए नंबर आपका सही उत्तर है। उसके बाद आइए आपका 23 नंबर का, देखिए क्या है 23 नंबर का, नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 23 का बताइए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में आपका सही उत्तर आएगा। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में आपका सही उत्तर आएगा। 24 नंबर, नर्मदा एवं ताप्ती जो है नदिया के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती के, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सतपुरा पहाड़िया स्थित है, ठीक है, सतपुरा पहाड़िया स्थित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए,
विचार कीजिए, जल्दी से देखिए क्या आएगा। देखिए आपका क्या क्या दिया है, विचार कीजिए, शिवालिक पहाड़िया, सहद्री पर्वत, सतपुरा पर्वत। उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सी है, उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना है कौन सी है। देखिए तो इसका आपका सही क्रम क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा सही, 1-3-2, 1-3-2। सबसे पहले आपका आ जाएगा शिवालिक, उसके बाद आपका आएगा सतपुरा, सबसे पहले शिवालिक, एक मिनट, शिवालिक, उसके बाद सतपुरा, उसके बाद सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है पूरा कंप्लीट होता है आपका, देखिए पूरा हम लोग का कंप्लीट होता है भारत के प्रमुख पर्वत एवं पठार, जिसके अंतर्गत हम लोग 25 के करीब में क्वेश्चन हम लोग लगभग किए हैं। कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं ये टॉपिक आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है आपको, ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं, देखिए लगभग हम लोग 15 से 20 टॉपिक हम लोग इस टाइप से कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।